बुराड़ी में ड्राइवर ट्रेनिंग व बैच के लिए चालकों का आना एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अशोक लेलैंड के ट्रेनिंग सेंटर में सर्टिफिकेट के लिए चालकों ने बुराड़ी का रुख करना फिर से एक बार शुरू कर दिया है, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। हालात कुछ रोज पहले जैसे थे वैसे ही नजर आ रहे हैं। तैयारियों की बात करें तो व्यवस्थाएं ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा, और चालक घंटों इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आए और उनका काम हो जाए। एक चालक ने वीडियो के माध्यम से व्यवस्था की ऐसी पोल खोली कि एक बार फिर परिवहन सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। आइए आपको बगैर समय खराब किए दिखाते हैं बुराड़ी में चालकों का कैसे किया जा रहा है शोषण। क्लास लगी नहीं जी, मैं बीच में कई बार आया, लेकिन यहाँ पे जो है कोई मतलब बंद था जी लॉकडाउन के चक्कर में। तो आज ही फिर बोलिए तो इन्होंने बोला कि भाई फॉर्म जमा करके सब्मिट करा दो। और क्लास कैसे लेंगे आपकी? ये ऑनलाइन बता रहे हैं क्लास। कितने रुपए की फीस है यहाँ पर? सर अभी बताया नहीं, पता चलेगा खिड़की पर आकर। ये कह रहे हैं कि अभी इनको मैसेज आया है कि भी क्लास के कितने पैसे, इनको कुछ नहीं पता है। ये क्लास लगाने के लिए रिन्यूअल के लिए आए हैं बेसिकली। कल जो है सर्टिफिकेट बांटने की प्रक्रिया थी आपके, ये देख रहे होंगे आप, ये बोर्ड लगा है भाई साहब हाथ काला जरा। ये रिन्यूअल रिफ्रेश अदर स्टेट एंड बैच एंड कंडक्टर एंड 2 घंटे की रिन्यूअल क्लासेस जो है इसका प्रबंधन DTI प्रबंधन ने किया। ये आप डिस्टेंसिंग देख रहे होंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम है यहाँ पर। ये लोग सारे खड़े हुए हैं, ये सब सर्टिफिकेट्स के लिए खड़े हुए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो योजना बनाई है कि ड्राइवर को परेशान नहीं होना चाहिए, प्राइवेट संस्था ने इतना परेशान कर दिया है इनको। आपको एक वीडियो पहले भी आई होगी जिसमें लोगों ने बहुत ध्यान दे, अंदर की लोकेशन देखें सारी खाली पड़ी हुई है। ये सब ड्राइवर अपनी क्लासेस के लिए कोई आया है, कोई रिन्यूअल के लिए आया है, किसी ने अपना बैच के लिए अप्लाई करना है। ये आप प्रक्रिया देख रहे हैं, मुझे बुलाए थे। कितने बजे से काम? 9 बजे बुलाए थे और अभी कह रहे हैं कि किसने बुलाया, दबा सर को ही उसने फोन करके बुलाए थे, भाई 9 बजे आ जाओ। आपके पास कॉल आया? हाँ कॉल आया कल। हाँ जी, और खाना भी नहीं खा के आ रहे, अब कह रहे हैं यहाँ खड़े हो जाओ, 1 घंटा हो गया खड़े। आप यहाँ 1 घंटे से खड़े? हाँ जी। अरे 3 साल पहले 600 रुपए, 3 साल पहले 600 रुपए, आप 1200 रुपए हो गए। 1652 हैवी क्लासेज आप हैवी की क्लास है, जो आपके 3 साल पहले 300 रुपए 600 रुपए की फीस लगती थी, अब वो 1600 कुछ रुपए बढ़ा दी गई है। प्राइवेट कंपनी किस नियम अनुसार 1600 रुपए किए गए चालकों से लॉकडाउन के बाद अपने लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को लेने के लिए 1600 रुपए कहाँ से लाएगा? दिल्ली सरकार को चाहिए था कि इस बारी लॉकडाउन के बाद जितने भी रिन्यूअल लाइसेंस हुए हैं उन पे मुफ्त, कोई भी उनको फीस नहीं ली जानी चाहिए थी, मगर उसमें कम की जगह बढ़ाने की प्रक्रिया की। ये सरासर न्याय है, तुरंत इनकी कार्रवाई की जाए ताकि इनको ये जो 1600 रुपए लूटे जा रहे हैं इसको बंद किया जाए। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर जो है काफी दूर दूर से अपने काम छोड़ के, धंधा छोड़ के, इस परिस्थिति में कि मेरा लाइसेंस रिन्यूअल हो जाए, मुझे रोजगार मिल जाए, उस परिस्थिति में आप देख सकते हैं अशोका लीलैंड प्राइवेट कंपनी जो है सर्टिफिकेट मांगने की प्रक्रिया को बंद कर रखा है। ये सोनीपत से आप आए हैं? ये सोनीपत से, क्या नाम है आपका? आप बताएं जरा कितने घंटे से आए हैं, क्या कराने आए हैं आप? 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? बैच के लिए आया हूँ यहाँ पे। बैच की प्रक्रिया? फोन करके आया जी, फोन करके आया हूँ तब भी नहीं। फोन किया था इन्होंने, फोन करने की सुविधा जो दे रखी है उस पर फोन करके जितने भी चालक भाई हैं वो सब फोन करके ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जितने भी चालक ये लॉकडाउन से पहले ही इतने परेशान हो चुके हैं, अब इनकी प्रक्रिया को सरल किया जाए, आराम से इजीली इनकी पानी की सुविधा, बैठने की सुविधा हो और इनको इनका सर्टिफिकेट दिया जाए। धन्यवाद आपके।